नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम केरल राज्य का भ्रमण कर रही है। और सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ की खूबसूरती। देखिए प्राकृतिक सौंदर्य केरल का, चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ी और हरियाली और घना सा जंगल, अनेक पौधे, टेक, सुपारी, केला, आम, लीची से लेके तमाम पौधे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पाइन एप्पल। और यदि मैं इस जगह की बात करूं जहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे काफी नजदीक पर 50 किलोमीटर और एक एशिया का सबसे बड़ा एक बांध टाइप का यानी झील तैयार किया गया, 28 किलोमीटर उसको बताया जा रहा है, 28 किलोमीटर है वो। वहां झील और यहां की भाषा में उसको डैम बोला जाता है, पानी रोका जाता है सिंचाई के लिए। आप अंदाजा लगाइए, आज भी सर्दियों के दिन में यहाँ पर गर्मी है, शाम का वक्त है, लगभग 5:40 के टाइम में भी पसीना आ रहा है, इसके बावजूद भी पानी की भरपूर मात्रा होती है, क्योंकि कुछ प्राकृतिक सोर्स और सरकार की दोनों की व्यवस्था है। यानी यहाँ तक कि 40-40 किलोमीटर तक पानी को एकत्रित किया जाता है और तब इसको सिंचाई के लिए खोल दिया जाता है। सबसे बड़ा जो एशिया का है, 28 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल मिट्टी से रोका गया पानी जो झील है। मुश्किल से मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ से बताया जा रहा 8 किलोमीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूँ, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो एरिया है, ये जिला पालघर जिला पड़ता है और उस करिम्बा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर करिम्बा नाम से फेमस ये जगह। ये देखिए खूबसूरत दृश्य, और थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा दिखाने का प्रयास करेंगे। एक खेती यहाँ पर पाइन एप्पल की, ये देखिए चारों तरफ कई एकड़ में लगाया जाता है। और जब बताया जा रहा, जब जाने का प्रयास कर रहा था, एक जब इसको लगाया जाता है तो साल में 3 साल के बाद ही इसमें फ्रूट लगते हैं और साल में 4 बार आते हैं। और कुछ जो यहाँ के निवासी हैं जो व्यवसाय करते हैं केला, सुपारी, नारियल, पाइन एप्पल की खेती, उसके बारे में जाने का प्रयास करूँगा। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो खेती बारे में पाइन एप्पल का मैं देख रहा हूँ टन, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप, थोड़ा बताइए। पाइन एप्पल मिलेगा और यस सर, एक साल में 4 बार मिलेगा, चार बार आता है। और रबर 5 साल में, और रबर भी मिलता है, और बहुत काम है यहाँ पर। बताया जा रहा जो झील है यानी डैम, वो कितने डैम है थोड़ा उनका नाम बताइए। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में 10 डैम मिल रहा है, 10 डैम। और इधर आगे 2-3 किलोमीटर का आगे शिरवानी डैम, और 5 किलोमीटर का आगे कांजरापुरा डैम, और 10 किलोमीटर का आगे मलमपुरा डैम। ये सर कितने कितने किलोमीटर के एरिया में लगभग फैले हुए हैं? इधर फायदा हुआ है 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये पानी यानी रोका जाता है? हाँ, रोका जाता है, कृषि बना रहा है, और ये सफारी को मिलेगा, सब कुछ पानी भरपूर मिलता है, सब जगह में पानी मिलता है ये डैम से। इसी सरकार की व्यवस्था है या प्राकृतिक? नहीं, सरकारी की व्यवस्था है, सरकार सब आदमी को पानी मिलता है, पानी देता है। ये जो पानी इकट्ठा होता है, ये पेड़ों को जड़ों का पानी है, प्राकृतिक नेचुरल होता है, ये कहीं से लाती है, इसको इकट्ठा किया जाता है? उसको एक रोड बनाएगा ना, ऐसा बना रहा है पानी जाने के लिए। ओके। और सब जगह में देता है कि ताकि भरपूर खेती हो सके, सब जगह में ऐसा मिलेगा। और 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, मतलब कोई बोरिंग, कोई ये बिजली खर्चे की जरूरत नहीं? नहीं, ये आदमी लोग को कृषि बनाने के लिए पानी जमा करके रखा, और साल में 2 बार आदमी लोग देता है। यानी साल में 2 बार पानी छोड़ा जाता है या आता रहता है? नहीं, आता रहता नहीं, साल में 2 बार आदमी लोग को पानी देता है सरकार। और ये देखिए, जब जाने का प्रयास कर रहा था, 2 बार साल में भरपूर मात्रा में पानी दिया जाता है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। सरकार का जो वास्तविक प्लान है, कुछ तो प्राकृतिक सुंदरता है, सॉलिड प्लान। आप अंदाजा लगाए 5,500 किलोमीटर पानी को रोका जाता है, और इतनी गर्मी के बावजूद भी केरल की जो खूबसूरती आपको दिख रही है, मेरे चारों तरफ छटा बिखेरती ये हरियाली, पेड़ पौधे साफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था और प्राकृतिक सौंदर्य कितनी व्यवस्था है कि पानी की कोई कमी नहीं होती, और यही कारण है कि यहाँ का नारियल, केला, सुपारी और सबसे बड़ा जो यहाँ का फेमस है वो टेक का पौधा, मजबूत, जो हजारों साल
खड़ा रहता है हजारों वर्ष गिरने के बाद भी, जिसकी लकड़ी खराब नहीं होती है, वो भी यहाँ पर अनेक संख्या में मुझे नजर आए। देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम की केरल राज्य में व्यवसाय, खेती, हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज।